स्पोर्टिंग इतिहास के लिए बहुत बड़ा दिन है और ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि आज का दिन 15 मई 2022 को पहली बार ये इतिहास रचा है। ये बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ी जीत है। सर आपको क्या लगता है कि किस किस का योगदान इसके पीछे है, क्या खिलाड़ियों का, सरकार का, किस किस का? देखिए जब अभी तो शॉर्ट में मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन इतना आप समझ लीजिए एक खिलाड़ी पैदा करने के लिए पूरा का पूरा एक टीम होता है। उस टीम में सबका योगदान है, चाहे कोच हो, चाहे इस पे फेडरेशन का हो, सरकार का हो, और सबसे बड़ा होता है जनता का सपोर्ट, पीपल्स प्रेयर, पीपल्स सपोर्ट। बिना जनता का सपोर्ट खेल कुछ नहीं होता है। तो ये पूरा देश के लिए विक्ट्री है और खास करके जो पिछले 4-5 सालों में जो भारतीय खेल में जो बदलाव आया है उससे खिलाड़ियों को कोई भी तकलीफ, कोई भी जरूरत किसी भी चीज का हो तुरंत प्राप्त हो जाता है। इसके वजह से हमारा खिलाड़ियों का भी प्रदर्शन आगे बढ़ते जा रहा है। नितिन भी हमारे संवाददाता सर हमारे साथ हैं, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। नितिन अपना सवाल रखें आप। किरण सर हमने देखा है कि आप जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे और किस तरीके से गवर्नमेंट ने पॉलिसीज को लेकर काफी काम किया था, क्योंकि आप बहुत ही डीपली हर पॉलिसीज को लेकर खुद सारी चीजों का एनालाइज करते थे। ओवर द इयर्स आपने सर कैसे देखा है इंडियन स्पोर्ट्स को चेंज होते हुए, और खासतौर से अब बात हो रही है ओलंपिक्स में हमारे डोमिनेंस की, तो अब अगला ओलंपिक्स पेरिस है। सबसे पहली बात यह है कि खेल को सरकार की तरफ से जो प्राथमिकता देना चाहिए था वो शुरू हुआ 2014 में, और जो खेलो इंडिया का कार्यक्रम जब शुरू हुआ, खेलो इंडिया ने खेल के प्रति भारतीय जो आम लोगों का जो नजरिया भी बदल दिया और खिलाड़ियों का जो सोच विचार को भी बदल दिया। तो खेलो इंडिया ये सबसे बड़ा कारण है। प्रधानमंत्री जी ने जो एक विजन रखा और मुझे भी उसको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा जिम्मेदारी मिली थी और उसी के साथ हम लोगों ने जो काम किया, इसके वजह से सब लोगों का सपोर्ट से ये हुआ है। मेरे ख्याल से खेलो इंडिया बहुत बड़ा हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म बन के आया है युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए।